महाराष्ट्र कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ सोशल मीडिया पर लिखा 55 साल पुराना रिश्ता खत्म, आज शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मिलिंद ने रविवार 14 जनवरी सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। शनिवार को उनके कांग्रेस छोड़कर शिवसेना के शिंदेगुट में शामिल होने की खबर आई थी। इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब शनिवार की शाम को देवड़ा की तरफ से कांग्रेस न छोड़ने की जानकारी मिली। देवड़ा आज शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होंगे। देवड़ा ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा, आज मेरे राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण अध्याय खत्म हुआ है। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया है। मैं पार्टी के सभी नेताओं, सहकर्मियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ। कांग्रेस की मीटिंग में नहीं पहुंचे थे मिलिंद देवड़ा। शुक्रवार को गरवारे क्लब और मुंबई कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। देवड़ा इन दोनों मीटिंग में नहीं गए थे। पार्टी के कई नेताओं ने उनसे संपर्क कर बैठक में शामिल होने को कहा, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तब से ही अटकलें थी कि वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं। कांग्रेस की मीटिंग में नहीं पहुंचे थे मिलिंद देवड़ा। शुक्रवार को गरवारे क्लब और मुंबई कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठकें हुई थी। देवड़ा इन दोनों ही मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। पार्टी के कई नेताओं ने उनसे संपर्क कर बैठक में शामिल होने को कहा, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तब से ही अटकलें थी कि वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र और यूपी के लिए लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ये बातचीत कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर हुई। वासनी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीट शेयरिंग कमेटी का संयोजक बनाया। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार को अपने फैसले में कहा है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। स्पीकर ने उद्धव गुट के 14 विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।